यू में रहने अथवा बाहर होने पर जनमत संग्रह, पश्चिम एशिया में उठापटक और कच्चे तेल के दाम में उछाल जैसे अर्थव्यवस्था के सामने जोखिम खड़ा करने वाले वैश्विक मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार है तैयार। सहारा समूह की कई अन्य प्रॉपर्टीज बिकने के लिए तैयार हैं। सेबी ने इसकी प्रक्रिया में अगले महीने नीलाम की जाने वाली प्रॉपर्टीज में 16 नई जोड़ दी हैं। नीलामी का बेस प्राइस 1200 करोड़ रुपए तय किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सेबी सहारा की 61 प्रॉपर्टीज की नीलामी करेगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। ब्याज दरें चौथाई से लेकर आधे फीसदी पर स्थिर रखी गई हैं। फेडरल रिजर्व की मुखिया जेनेट येलन ने जॉब मार्केट के अनुमान के मुताबिक सुधार नहीं होने की वजह से नहीं बढ़ाई ब्याज दरें। 2 साल में पहली बार 31,000 के पार हुआ सोना, चांदी 42,000 के पार हुआ। फेडरल बैंक और बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरें ना बढ़ाने के फैसले को देखते हुए सोने में देखी जा रही है ये तेजी।